नाम हुआ? सुई स्वर्ट्स। आप भी खेल रहे हैं? कौन सा टीम है? लिटिल चैंप। आता है आपको खेलने? हाँ। आपका क्या नाम है? लव रोशन। कौन सा टीम है? लिटिल चैंप्स। लिटिल। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं और आपको बता दें कि 6ठा सब जूनियर एवं 14वां सीनियर जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता 2023 का आज से शुभारंभ हो रहा है और उसको लेकर के मंच पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। एसडीपीओ यहां पर मौजूद हैं, खेल पदाधिकारी यहां पर हैं, गोड्डा के थाना प्रभारी यहां पर मौजूद हैं और कई गणमान्य लोग जो हैं यहां पर मंच पर उपस्थित हैं। और देख लीजिए किस तरीके से बच्चे लोग आज शुभारंभ के दिन, आगे में बैंड पार्टी है, उसके बाद ये नेटबॉल के छोटे छोटे बच्चे हैं, कई स्कूल के बच्चे यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से ज्ञानसली पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये टीम है और ये देख लीजिए कौन से टीम है, गोड्डा लायंस नेटबॉल टीम जो है, ये बच्चे हैं यहाँ पर है। बच्चे हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? सुई स्वर्ट्स। आप भी खेल रहे हैं? कौन सा टीम है? लिटिल चैंप। आता है आपको खेलने? हाँ। आपका क्या नाम है? लव रोशन। कौन सा टीम है? लिटिल चैंप्स। लिटिल चैंप है। हाँ। तो तीन दिन तक खूब खेलिएगा। हाँ। आप भी खेलिएगा। हाँ। कौन सा गेम का क्या नाम है? नेटबॉल गेम। नेटबॉल। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो देख लीजिए एसडीओ मैम जो है अपने हाथों से कार्यक्रम जो इस खेल का शुभारंभ कर रही है और कोशिश कर रही है कि बॉल को जो है नेटबॉल यहाँ पर खेला जाए। और भी यहाँ पर देख लीजिए एसडीपीओ गोड्डा के जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये देख लीजिए एसडीएम मैम जो है लगातार कोशिश कर रही है और ये तीसरा प्रयास है उनका और ये तीसरे प्रयास में भी सफल नहीं हो पाई। और अब एसडीपीओ सर जो हैं वो कोशिश करेंगे कि बॉल को थोड़ा, ये देखिए एसडीपीओ सर भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6ठा सब जूनियर एवं 14वां सीनियर जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता 2023 का ये उद्घाटन हो रहा है। गोड्डा के थाना प्रभारी उपेंद्र महतो जी जो हैं लंबे हैं और उसका फायदा उठा लिया इन्होंने। तो इस मैच का, इस खेल का जो दो दिनों तक चलने वाला इस खेल का जो है 8, 9, 10 तीन दिनों, आज उद्घाटन है और कल और परसों चलेगा। खेल पदाधिकारी हैं आपके स्क्रीन पर और इस मैच का, इस खेल नेटबॉल प्रतियोगिता का ये उद्घाटन हो रहा है। क्या कुछ कहेगा सर आज इस कार्यक्रम, आए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर? आज का जो जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता प्रोग्राम जो यहाँ कराया जा रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत प्रेरणादायक है। और जिला स्तर से जो हो रहा है, जिस कमेटी के द्वारा कराया जा रहा है, वो बधाई के पात्र हैं। जिला प्रशासन की भूमिका जो जिला स्तर से जो इन लोगों खेल प्रतियोगिता के लिए योजनाएं आ रही है उनके मुताबिक इन लोगों को खेल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है, वो दिया जा रहा है। सर आप क्या कहिएगा, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ रहेगा आप लोगों की ओर से? हम लोग को पूर्व में ही पता था कि यहाँ जिला स्तरीय नेटबॉल का आयोजन होने वाला है, तो इसके लेके हम लोग पूर्व से ही तैयारी कर रखे हैं। जब जब यहाँ आयोजन होगा हम लोग के तरफ से फोर्स का प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, फोर्स हमेशा यहाँ तत्पर रहेगा, बालक बालिकाएँ सबको ही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पूर्व से ही तैयारी किए हुए हैं, फोर्स का यहाँ प्रतिनियुक्ति रहेगा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बताइएगा, कहाँ कहाँ के बच्चे पहुँचे और क्या कार्यक्रम है, जिलावासियों से क्या अपील रहेगी? गोड्डा जिला नेटबॉल संघ की ओर से 3 दिवसीय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है गोड्डा गांधी मैदान में, जिसमें लगभग मतलब टोटल 90 टीम भाग ले चुकी हैं, जिसमें से 50-60 की संख्या में आज टीमें आ चुकी हैं और कुछ टीमें बारिश की वजह से आज नहीं आ पाएं, जो कल सुबह तक आ जाएगी। और ये टूर्नामेंट 3 दिन तक चलेगा, जिसमें कि 6ठा सब जूनियर एवं 14वां सीनियर नेटबॉल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका सिलेक्शन हम लोग राजस्थान टूर्नामेंट के लिए भी करेंगे। और आप लोग को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आगामी दिसंबर को लास्ट वीक में हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल का टूर्नामेंट भी हम लोग आयोजित करने की हम लोग की मतलब तैयारी चल रही है। अगर सभी का आशीर्वाद रहा जिलेवासियों का तो यह हमारा सौभाग्य मिलेगा कि हम गोड्डा के गांधी मैदान में नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग कर सकते हैं। अभी कितना बच्चा लोग इसमें प्रतिभागी जो है कि भाग लिया है? टोटल 1500 प्रतिभागी ने भाग लिया है, जिसमें से 850 के लगभग बच्चे पहुंच चुके हैं। क्या बताइएगा कार्यक्रम को लेकर? नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज और जिला जोहार की टीम को कि आप लोग मेरे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम का शोभा आप लोगों ने बढ़ाया,
और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 8 से लेकर के 10 तक ये चलेगा, जिसमें दिवारात्रि का खेल होना है, जिसमें बालिकाओं का भी सिलेक्शन होना है जूनियर और सब जूनियर और सीनियर वर्गों के लिए, जो मेरा जिला स्तरीय टीम बन करके ये निकलेगा। और फिर हो सकता है कि आगामी दिसंबर माह में, जैसे कि अभी मोनालिसा जी जो बता रही हैं, वो हमारे अभी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे गोड्डा जिला के लिए कि इंडिया नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये स्कूटी मेंबर के लिए ये चुनी गई हैं। आज ये नॉमिनेट होकर के गई हुई थी, ये नॉमिनेशन किए थे इन्होंने 20 तारीख को, और स्कूटी मेंबर के लिए के रूप में इनको बाइज्जत वोटिंग के द्वारा इनको चुना गया है। तो ये इंडिया नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इसमें कमिटी में आ चुकी हैं। तो उनका जैसे अभी हम लोगों को सुनने को मिला कि गोड्डा में हम नेटबॉल लाना चाह रहे हैं, नेशनल प्रतियोगिता है और लास्ट इवेंट में, तो हम लोग चाहेंगे कि जिलावासी उसमें 29 राज्यों का टीम यहां पे आपको दिखेगा और 29 राज्यों का भाषा भी आप लोग को दिखेगा। और गोड्डा जिला को उत्सुकता बहुत होगी, हमको लगता है पहली बार ये नेशनल प्रतियोगिता यहां पे आयोजित होगा और ये गोड्डा जिला नेटबॉल संघ और झारखंड नेटबॉल संघ के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। तो हम सभी जिलावासियों से और शहरवासियों से भी मेरा आग्रह होगा कि 29 जिला की टीम यहाँ पे दिसंबर माह में 29 राज्यों का टीम और 29 भाषाओं का टीम का संगम मिलेगा, जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का टीम आपको यहाँ पे ये गोड्डा के गांधी मैदान में और आपके शहर में नज़र आएगा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ के लिए, शहरवासियों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जिस हिसाब से हमें सहयोग या सपोर्ट किया है, जिसके बदौलत हम इंडिया नेटबॉल में इस कदर हम अपना पहचान बना पाए और एक छोटे से जिले को ये नेशनल प्रतियोगिता आयोजित करने का मौका मिलेगा।